ऐसे ले लेना है, ऐसे और खास करके सेल्फी लेने वालों के यहाँ कमी नहीं है, और इसीलिए इसको लवर डैम कहा गया है। लोग हर के मुंह से वही निकल रहा है, लवर डैम लवर डैम। इसको देखा जा सकता है। चलिए चलिए थोड़ा साइड होइए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं प्रशांत ब्लॉग में। आज गया शहर के विष्णुपद में हैं, जहां पर हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, जो कि विष्णु भगवान का पद चिन्ह है, और इसके लिए हम अंदर जाते हैं। और मोबाइल अंदर ले जाने के लिए निषेध है, मोबाइल काउंटर पर जमा करते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं, फिर हम आपको वीडियो शेयर करेंगे। और वीडियो में आप बने रहिएगा। यहाँ से निकलने के बाद हम आगे सीधा पहुँच जाएंगे, क्योंकि फनु नदी में पेटी चौक पर है, और रबर डैम का भी नज़ारा दिखाएंगे आप वीडियो में। जय जय नारायण धारणाएँ हैं, आपको बताते चले कि विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु का चरण सिंह ऋषि मरीचि की पत्नी माता धर्मवता के शिला पर है। राक्षस गयासुर को स्थिर करने के लिए धर्मपुरी से माता धर्मवता शिला को लाया गया था, जिसे गयासुर पर रख भगवान विष्णु ने अपने पैरों से दबाया। इसके बाद शिला पर भगवान के चरण चिन्ह है। माना जाता है कि विश्व विष्णुपद ही एक ऐसा स्थान है जहां भगवान विष्णु के चरण का साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। तो संध्या आरती लगाने के बाद हम मंदिर परिसर से बाहर निकल चुके हैं, और यहाँ से हम फनगु के नदी के पार करेंगे, जो कि बाईपास के माध्यम से, और 10-15 मिनट के टाइम लगता है। वहाँ जहाँ सीता कुंड है वहाँ जाएंगे, और वहाँ से भी आपको दिखाएंगे। तो हम बताते चलें कि सीता कुंड भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसके पीछे भी कुछ कहानी है। ऐसे लोग बताते हैं कि गया को सबसे पवित्र भूमि पुराणों में बताया गया है। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि गया जी तीर्थ में स्वयं भगवान श्री राम अपने परिवार के साथ पिता दशरथ के पिंड दान करने आए थे। राम और लक्ष्मण श्राद्ध का सामान जुटाने गए, तभी माता सीता ने राजा दशरथ का श्राद्ध कर दिया। पुराण में कहा गया कि दशरथ के चिता की राख उड़ते उड़ते गया के फल्गु नदी के पास पहुंची, तब केवल माता सीता वहां मौजूद थी। तभी आकाशवाणी हुई कि श्राद्ध का समय खत्म हो रहा है। ये सुन सीता माता के फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाए और पिंड दान कर दिया। उन्होंने फल्गु नदी, गाय, तुलसी, छह वाट और एक ब्राह्मण को साक्षी बनाया। श्री राम और लक्ष्मण वापस आकर श्राद्ध के बारे में पूछा तो माता सीता ने पूरी बात बताई। राम ने जब इन चारों से पूछा कि पिंड दान हुए या नहीं, तो फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया। इसके बाद सीता फल्गु नदी को श्राद्ध दे दिया। इसके बाद फल्गु नदी जमीन के नीचे से बहने लगी। वैसी मान्यता है, और इसे फल्गु नदी को श्रापित नदी भी कहा जाता है। ऐसा कि उफनते आज आओगे उफनते जाओगे, तो हम लोग इसी नदी को पार करेंगे, और यहाँ के लिए मशहूर नदी है। ऐसे कि जल संसाधन विभाग में हर साल जो पानी किल्लत होता था, जो पर्यटक आते थे पिंडदान करने के लिए तर्पण के लिए, यहाँ बहुत दिक्कत हुआ करता था। अब सालों वाले 365 दिन पानी की व्यवस्था कर दिया गया है जल संसाधन विभाग द्वारा। तो चलिए हम फाइनल रूप से हम पहुंच चुके हैं सीता कुंड। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, उसके बाद हम आपको जो रबर डैम है उसको भी दिखाएंगे। इसी जगह को माता सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। वीडियो में बने रहे। अब सीता कुंड से पार करते हुए चलते हैं रबर डैम के नजदीक, जो कि देश का पहला रबर डैम होगा और है भी वैसे। तो देर न करते हुए रबर डैम से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या है, कैसे है, किस तरह का बना हुआ है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। ऐसे ले लेना है, ऐसे
आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों पर सीढ़ियों के माध्यम से डबल डैम पर चढ़ने की व्यवस्था है और जो कि रात्रि के समय भी काफ़ी भीड़ है, एक चर्चित पुल माना जा रहा है, तो आप वीडियो में बने रहें। तो साथियों फाइनल रूप से हम लोग रबर डैम के पास पहुंच चुके हैं और यहां से हम आपको रबर डैम का नज़ारा बताने का प्रयास कर रहे हैं और ये गया विष्णुपद से थोड़ी दूर आगे जाकर ये बनाया गया है रबर डैम, जो कि जल संसाधन बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही बहुत बढ़िया और सुंदर डैम बनाया गया है। और इसका नज़ारा हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। इसमें हो गया, आगे चलते हैं ऊपर में दिखाते हैं, चले। ठीक है बस एक सेकंड, दिखाना क्या फोटो आगे। हाँ ये रबर डैम है यही ना, बहुत ही लबर डैम नाम है सिर्फ लबर डैम क्यों कहा गया इसको लबर डैम कहने का कि मतलब लड़कियों का गया खास कर यहाँ पर आकर्षित करता है, बहुत ही सुंदर है। अरे रजीव कहीं रबर का निशान दिख नहीं रहा में हो चैल्स है, चैल्स है बस यही है रबर डैम है तो ठीक है, बहुत ही सुंदर है लेकिन नाम इसको रबर डैम है। ये रबर डैम है आप देख सकते हैं, रबर तो दिख नहीं रहा है लेकिन डैम है और इसको नाम दिया गया है रबर डैम। और देख सकते हैं इसको देखने के लिए कितना ज़्यादा मात्रा में भीड़ लगा है और खास करके सेल्फी लेने वालों के यहाँ कमी नहीं है और इसीलिए इसको लबर डैम कहा गया है, लोग हर के मुंह से यही निकल रहा है लबर डैम इसको देखा जा सकता है। चलिए थोड़ा साइड होइए, इधर तब हम लोग यहाँ से क्या करना है, वापसी चलना है और आगे तक। चलो ये डैम घूम लिया, देखें यही रबर डैम है लेकिन कंपन नाम कोई चिन्ह है, रबर सिर्फ नाम का है और इस रबर को डैम को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते जाते रह रहे हैं इस पर और इस रात में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं।